आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि सॉल्यूशन के आगे का टॉपिक है, सॉल्यूशन चैप्टर में मेरे ख्याल से 5 to 6 लेक्चर हमने अभी तक देख लिया है कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना था। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके सॉल्यूशन चैप्टर का, तो हम लोग इसके बारे में एक एक एस्पेक्ट के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ऑब्वियस है कि आपने इससे रिलेटेड कभी नाम सुना होगा। जैसे आपने याद है गैसेस स्टेट जब पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस आपने पढ़ा होगा। तो उसी तरह से हमारा एक नया टर्म आ गया हमारे पास, दैट इज कि आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसके बारे में एक एक करके हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसको आपको समझाने का स्टार्ट करूं, कुछ बताने का थोड़ा बहुत स्टार्ट करूं, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या होगा, तो थोड़ा सा मुझे एक डायग्राम यहाँ पे क्या है बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये मेरे पास मान के चलो कि मैंने कोई भी एक सॉल्यूशन को यहाँ पे फिलअप किया है। ठीक है, एक एक पॉइंट आप समझते चलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये आपके पास मान के चलो कि कोई भी आपका एक सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैंने मान के चलो कि इसको कंटेनर को मैंने यहाँ पे क्या किया है, दैट इज ढक दिया है, यहाँ पे बिल्कुल भी पैक कर दिया, तो आपको पता है कि अगर ये मान के चलो एक सॉल्यूशन है, इसमें दो वोलेटाइल कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है, जैसे मान के चलो कंपोनेंट ए एक प्रेजेंट है और एक कंपोनेंट बी प्रेजेंट है और दोनों कैसे हैं इसमें वोलेटाइल, मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ कि इसमें कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट, मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि दोनों लिक्विड है और दोनों आपके कैसे लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो आपको ए है, मान के चलो कि ए जो भी आपका वोलेटाइल लिक्विड है इसका अगर मोल एन ए अवेलेबल है और बी जो एक वोलेटाइल लिक्विड है इसका मोल अगर एन बी प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर, तो आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से पता है, आपको एक चीज अच्छे से पता है कि यहाँ पे इस खाली वाले लेयर में खाली वाले जगह पे यहाँ पे ये आपको वेपर बनाता हुआ आपको नजर आता है। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे ये जो वेपर बनाएगा इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का नाम देते हुए नजर आते हैं। बोलोगे ठीक है, ये बात भी आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि मैं यहाँ पे क्या अरेंजमेंट कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा ध्यान रखोगे तो आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियरली अच्छे से होगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि मैं यहाँ पे आपको एक मैनोमीटर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक मैनोमीटर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूं। शायद मैनोमीटर का आपको फंक्शन पता है कि मैनोमीटर हम लोग क्यों बनाते थे, तो मैनोमीटर का यूज क्या होता है कि आपको ये मैनोमीटर बेसिकली वेपर प्रेशर या फिर प्रेशर ऑफ गैस को निकालने में हम लोग यूज करते हैं। बोलोगे ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे मान के चलो कि ये आपने आपको ये वेपर यहाँ पे फॉर्म हो गया जो मैंने पिंक से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो मैं यहाँ पे आपको दो काम करने के लिए बोल रहा हूँ। सबसे पहले कि आप यहाँ पे रॉल्ट्स लॉ लगा के बताओ कि यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना क्रिएट होगा, दैट इज पीटी का वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलोगे सर कि रॉल्ट्स लॉ से अगर हम इस केस में टोटल प्रेशर निकालें तो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। बोलोगे बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ाई है। और एक्स ए क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट ए इन सॉल्यूशन, और बी क्या रिप्रेजेंट, एक्स बी क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट बी इन द सॉल्यूशन, इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बोलोगे कि मैंने कैलकुलेटेड, दैट इज कि हमारा ये कैलकुलेटेड प्रेशर जो है, कैलकुलेटेड प्रेशर जिसको हमने रॉल्ट्स लॉ से यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो उसका वैल्यू यही आएगा जो ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं ना, अब मैं आपको यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अब हम लोग ये तो कैलकुलेट कर लिए, अब हम लोग ये जो मैनोमीटर कनेक्ट किया ना, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये मैनोमीटर आखिर इस सॉल्यूशन का आपको क्या रीडिंग देता हुआ आपको नजर आता है। ठीक है, मैनोमीटर आपको यहाँ पे इस वेपर प्रेशर का क्या वैल्यू देता हुआ नजर आएगा। तो आप बोलोगे कि सर कि यहाँ पे ये जो आपके लेवल है, ये लेवल और ये लेवल के कोरस्पॉन्डिंग जो आपको हाइट होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको मैनोमीटर एक प्रेशर को इंडिकेट करेगा, और इस प्रेशर को हम लोग किस नाम से बोलेंगे, दैट इज ऑब्जर्व्ड प्रेशर। बोलोगे बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो
आपको आपको मैंने कुछ नहीं बताया, यहाँ पे बताया कि मैंने इस प्रेशर को थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया, जिसको मैं कैलकुलेटेड प्रेशर या फिर इसको मैं बुक कभी कभी लिखता हुआ नजर आऊंगा, पी कैलकुलेटेड ये लिखता हुआ आपको नजर आऊंगा। तो कैलकुलेटेड प्रेशर क्या होता है, जो कि हम लोग रॉड्स लॉ को अप्लाई करके गिवन कंडीशन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं प्रेशर। और मैनोमीटर क्या करेगा ना, यहाँ पे एग्जैक्टली कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा वो ऑब्जर्व प्रेशर को बताएगा कि आखिर इतना प्रेशर मुझे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बोलोगे ठीक है, अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन रहे, बड़ा ध्यान से सुनना, यहां से अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू होगा। अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन दिखे, उस सॉल्यूशन में अगर ऑब्जर्व प्रेशर अगर कैलकुलेटेड प्रेशर के बराबर होता हुआ दिखेगा, अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन दिखे उस केस में जो आप ऑब्जर्व करोगे प्रेशर और जो कैलकुलेट करोगे, अगर उस दोनों का वैल्यू सेम होता हुआ नजर आएगा, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन का नाम देते हुए नजर आते हैं। इसको हम लोग कौन सा सॉल्यूशन का नाम देते हैं, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन का नाम देते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो इस एक्सप्रेशन को लिखने का एक और तरीका होता है कि इफ ऑब्जर्व प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो आपको पता है ये जो राइट हैंड साइड में इक्वल के टर्म लिखा, ये आपका कैलकुलेटेड प्रेशर, दैट इज रॉड्स लॉ का फॉर्मूला होता है। अगर इन दोनों का वैल्यू सेम हुआ किसी भी सॉल्यूशन के लिए, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, दैट इज कि आइडियल सॉल्यूशन के नाम से इसको जानते हैं। बोलोगे ठीक है, ये आपको एक सिंपल सा आपको मैंने तरीका यहां पे बताया। ठीक है, लेकिन लेकिन आप यहां पे गौर करते चलना कि अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन दिखे, अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन दिखे, मैं इसको अगेन ब्लू से लिख रहा हूं तो आपको क्लैरिटी दिखेगा, अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन दिखे उस केस में अगर जो आपका ऑब्जर्व प्रेशर होगा अगर वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी इसके प्रेशर के बराबर नहीं हुआ, अगर इस दोनों का प्रेशर का वैल्यू जो है जो आप ऑब्जर्व करो और जो आप कैलकुलेट करोगे अगर उस दोनों का वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन के अगर बराबर नहीं हुआ, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नाम देते हैं। उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हम लोग उसको नाम देते हुए नजर आते हैं। बोलोगे ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया समझ में आया कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, मेरे ख्याल से वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज गौर करना, तो मैं अगर इस केस में बोलूं तो बोलोगे कि सर नॉन आइडियल के केस के में इसका मतलब दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर आपका अगर ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं हुआ, तो एक कंडीशन हो सकता है कि इसका ऑब्जर्व प्रेशर इसके कैलकुलेटेड प्रेशर से आपको ज्यादा हो जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आपका जो ये ऑब्जर्व प्रेशर होता है ये आपके कैलकुलेटेड प्रेशर से क्या हो जाए, कम हो जाए, ये भी दोनों कंडीशन हो सकता है। शायद आप समझ रहे होगे यार, अगर नॉन आइडियलिटी के लिए कंडीशन है कि इन दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा, तो या तो ज्यादा होगा या कम होगा, होगा ना। तो अगर अभी मैं इसको बड़ी डिटेल में एक एक करके डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया इसके बारे में आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी ऑब्जर्व प्रेशर अगर आपको कैलकुलेटेड प्रेशर से ज्यादा हो जाए, तो इस तरह के हम लोग जो सॉल्यूशन देखने को आता है उस तरह से हम लोग बोलते हैं कि सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ये क्या होता है, मैं एक एक वर्ड को आपको डिस्कस करना शुरू करूंगा, लेकिन आप एक इंट्रोडक्शन देख लो। और अगर आपको कभी भी ऑब्जर्व प्रेशर अगर कैलकुलेटेड प्रेशर से कम आ जाए, ठीक है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन शोइंग कैसा, दैट इज इन नेगेटिव डेविएशन। तो एक एक एस्पेक्ट को हम लोग को आज के लेक्चर में पूरी तरह से इसको कवर करना है। तो आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने जरूर देख लिया कि अच्छा कि आपको आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के आपके दो कैटेगरी हो सकते हैं, दैट इज कि आपको कोई भी सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर सकता है या फिर कोई सॉल्यूशन क्या हो सकता है नेगेटिव डेविएशन शो करता है, और उसको किस बेसिस पे आप डिफाइंड करते हो। तो ये बात आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये सब बात आप प्रॉपरली नोट करते चलना और समझते चलना।
बोलूंगी, ठीक है? ये बात थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको, ये हेडिंग जो मैंने लिखा है कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आई होप कि ये हेडिंग आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया, ठीक है? तो अगर मैं अब एक एक करके अगर मैं इन दोनों टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूं, तो मैं इसको आपको डिस्कस करता हूं सबसे पहले, दैट इज कि आइडियल सॉल्यूशन। इसके बारे में हर एक एस्पेक्ट जो आपको जरूरत है, जो आपके रेलिवेंट है, मैं हर एस्पेक्ट को यहाँ पे डील करना शुरू करता हूं, ठीक है? तो आपने एक चीज देखा कि अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम लोग आइडियल सॉल्यूशन का देखते हैं, तो आपने देखा कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का ऑब्जर्व प्रेशर, दैट इज ये वेपर प्रेशर ही है, कि अगर उसका वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर हो जाए, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, सही है? तो हम लोग आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइंड कैसे क्या करते हैं कि द सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई रॉल्स लॉ एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा भी दिया कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया। मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन ना जो कि रॉल्स लॉ के ईच एंड एवरी कंसंट्रेशन के लिए आपको वैलिड होता हुआ नजर आएगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग किसका नाम देते हैं, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन का नाम देते हुए नजर आते हैं। तो ये तो हमारे पास मैथमेटिकली आपको एक्सप्रेशन दिख गया। ये ध्यान रखना, आप शायद समझ पा रहे हो टॉपिक का रेलिवेंसी, अगर आपने रॉल्स लॉ को अच्छे से पढ़ लिया होगा, दैट इज 4-5 लेक्चर होगा जो आपका लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5, तो आपको ये टॉपिक समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है? चलिए, तो ये चीज आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली आइडियल सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? तो देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं, और इसमें दो तीन बात मैं आपको डिस्कस करूंगा, वो सारे पॉइंट आपको समझने की जरूरत है। फर्स्ट पॉइंट कंडीशन क्या होता है कि अगर आपने मान के चलो कि आपने दो लिक्विड को मिलाया, ए और बी लिक्विड को मिलाया, दोनों वोलेटाइल है, जो कि हमारा स्टार्टिंग क्वेश्चन है, कि अगर मान के चलो कि मैंने वोलेटाइल लिक्विड ए है, ध्यान से सुनना, कि अगर आपके पास वोलेटाइल लिक्विड ए है, इसका अगर V1 कुछ, देखो यार सॉल्यूशन बनाते हो तो आपके पास मान के चलो कि आपने लिक्विड ए आपने 5 ml ले लिया और लिक्विड बी आपने जो है वो आपने 10 ml ले लिया, तो आप कुछ जो भी कंपोनेंट वोलेटाइल लिक्विड होता है उसका कुछ वॉल्यूम भी कंसीडर करते हो। तो अगर मान के चलो कि आपने कोई भी कंपोनेंट ए कंसीडर किया, इसका वॉल्यूम V1 लिया, और अगर आपने कोई दूसरा कंपोनेंट V2 कंसीडर, कंपोनेंट बी कंसीडर किया और इसका वॉल्यूम V2 आपने अगर कंसीडर किया, तो आपको यहां पे आइडियल सॉल्यूशन का पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आप ए बी को मिलाओगे, तो अगर ए बी को मिलाने पे ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, अगर ए और बी को मिलाओ, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो बनेगा ना वो किसके बराबर होगा, दैट इज V1 प्लस V2 के बराबर होता हुआ नजर आएगा। बड़ा सिंपल सा है, मतलब मान के चलो कि अभी मैं एग्जांपल से करवाऊंगा, जैसे बेंजीन अगर है, बेंजीन का अगर मैंने 10 ml ले लिया, और अगर टोल्यूइन है अगर मैं इसका 20 ml ले लिया, तो मुझे पता है, आपको भी अभी मैं बता दूंगा कि बेंजीन और टोल्यूइन हमेशा क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो अगर आप इस दोनों को मिलाओगे तो रिजल्टेंट जो वॉल्यूम बचेगा बनेगा ना सॉल्यूशन का, वो आपको 30 ml का बनेगा। इसका मतलब यहां से एक पॉइंट और देखना है कि कभी भी आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म हो तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द मिक्सर, दैट इज सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज जो दिखने को आएगा वो क्या देखने को आएगा, दैट इज 0 देखने को आएगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है किसका, आइडियल सॉल्यूशन का। तो आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पहला प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं कि इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन
चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, या फिर यहां पे अगर हम बात करें चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इक्वल टू जीरो। तो अगर आपने वॉल्यूम ए का कुछ वॉल्यूम लिया, कंपोनेंट ए का कुछ वॉल्यूम लिया है और कंपोनेंट बी का कुछ वॉल्यूम लिया है, तो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम बी वन प्लस बी टू के बराबर होना चाहिए। कब? अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको या कैरेक्टरिस्टिक आपको आइडियल सॉल्यूशन का समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो सॉल्यूशन का आपका ये प्रॉपर्टी होता है, आइडियल सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी होता है, ये आपको बहुत काम का चीज होता है, ये बहुत बहुत ही काम का चीज होता है, ये आपको समझना चाहिए थोड़ा, ठीक है। कि आपने अगर मान के चलो कि मान के चलो आपने कोई वोलेटाइल लिक्विड, ये आपको हर केस में वैलिड होगा, नॉन आइडियल में भी इसको पढ़ोगे तो यहीं पे आप समझ लो तो आपके लिए काफी होगा। कि अगर आपने कोई भी लिक्विड ए को कंसीडर किया है और मान के चलो आपने कोई दूसरा वोलेटाइल लिक्विड बी कंसीडर किया है, ठीक है। तो अगर आपका कोई लिक्विड ए है ना, तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि इस लिक्विड ए में आपको ए और ए मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स के बीच में ए ए टाइप का अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा। बोलोगे बिल्कुल सही है, दैट इज ए ए टाइप का अट्रैक्शन फोर्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान के चलो आपको पता है कि अगर कोई लिक्विड कंसिडर करोगे यार, जैसे वाटर है, इसका मतलब हर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, तभी तो वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो अगर मैं लिक्विड ए कंसीडर कर रहा हूं और मैं अनलेस एंड अंटिल कुछ बोलूं, तो सारे के सारे लिक्विड आपके कैसे होंगे? वोलेटाइल कंसीडर आपको करना है। तो अगर मैं लिक्विड ए कंसीडर कर रहा हूं, तो इसका मतलब इसमें लिक्विड ए में ए मॉलिक्यूल्स जो आपको जिसका भी लिक्विड होगा, तो जैसे बेंजीन का सॉल्यूशन अगर मैं कंसीडर करूं, तो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा। तो अगर आपका लिक्विड ए है तो उसमें ए ए मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको एक अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा। बोलोगे बिल्कुल सही है। तो सिमिलरली अगर आपका लिक्विड बी है, तो इसमें बी और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको एक अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलता है। बोलोगे ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं अगर इसको मिक्स करूंगा तो तुम गौर करना, अगर मैं इसको मिक्स करूंगा तो आपको एक नया तरह का अट्रैक्शन फोर्स इसके बीच में देखने को मिल सकता है। बोलोगे कि कैसा फोर्स देखने को मिलेगा? बोलोगे कि एक तो ए ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा ही, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ए तो रहेंगे ही वहां पे। एक आपको बी और बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स देखने को तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आप इस दोनों को मिलाओगे तो आपको एक न्यू अट्रैक्शन फोर्स, दैट इज ए और बी के बीच में एक और अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा। बोलोगे सर ये कैसे हुआ? तो आपको अगर ए और बी लिक्विड दोनों मिसिबल होंगे, तो मिसिबल होंगे तभी ना, जबकि दोनों के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो इसका मतलब ए ए में तो इनिशियल इंट्रैक्शन था ही, बी बी में इनिशियल इंट्रैक्शन था ही, लेकिन जब आप मिला दोगे तो एक नए तरह का अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दोनों लिक्विड तो मिसिबल है। तो आपको ए और बी के बीच में ए बी टाइप का अट्रैक्शन फोर्स आपको देखने को मिलेगा। बोलोगे ठीक है, ये बात भी थोड़ा सा समझ में आपको आ गया होगा। रीजन है कि दोनों मिसिबल लिक्विड हैं, तो लिक्विड तभी तो मिक्स होंगे जब उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होंगे। तो अगर ए और बी मिक्स हो पा रहा है, तो मतलब ए और बी के बीच में भी कोई अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता हुआ जरूर नजर आएगा। बोलोगे ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर ए ए के बीच में जो आपका अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स ए एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और बी बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, अगर इन दोनों का अट्रैक्शन फोर्स अगर आइडेंटिकल रहे, इन दोनों के अट्रैक्शन फोर्स क्या रहे? आइडेंटिकल रहे, मतलब सिमिलर अट्रैक्शन फोर्स शो कर रहा है, और आपको जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिल रहा है उसमें ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर इन तीनों का अट्रैक्शन फोर्स अगर सेम रहा, सिमिलर रहा, तो उस केस में जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा सॉल्यूशन बनेगा? दैट इज कि आइडियल सॉल्यूशन बनता हुआ नजर आएगा। उसमें कैसा सॉल्यूशन बनता हुआ नजर आएगा? दैट इज आइडियल सॉल्यूशन बनता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान देना है कि अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा तो ए ए के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसका अट्रैक्शन फोर्स आइडेंटिकल होगा किससे? बी बी अट्रैक्शन फोर्स से। और उतना ही अट्रैक्शन फोर्स किसके किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा होगा? ए और बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो उस केस में, तो जैसे उस केस में, तो आपके जो सॉल्यूशन बन रहे होंगे ना, वो कैसे सॉल्यूशन होंगे?
बोलोगे सर वो हमारे आइडियल सॉल्यूशन। थोड़ा ध्यान से देखना, इसको मैं बहुत ही टाइम लेके बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान के चलो कि अगर आपने ये लिक्विड बनाया, ये आपका कंटेनर है, और इसमें आपने मान के चलो कि आपने ये मान के चलो आपने लिक्विड फिलअप कर दिया। ध्यान से सुनना, और आपको यहां से एक और चीज आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं बोलूं कि यहां पे आपको एक AA अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा, एक BB अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा, और एक आपको A और B अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा, तो अगर किसी अंडर कंडीशन में अगर आपको AA का बॉन्ड टूटेगा, मतलब उस समय आपको BB का बॉन्ड भी टूट सकता है क्योंकि दोनों का अट्रैक्शन फोर्स तो आइडेंटिकल है, और उस केस में A और B के बीच का भी बॉन्ड आपको टूटता हुआ नजर आएगा, और उस केस में ये सारे के सारे कॉम्पोनेंट यहाँ पे आपको वेपर प्रेशर बनाने में, दैट इज यहाँ टोटल प्रेशर क्रिएट करने में आपको क्या होंगे, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, और इस केस में जो आपका टोटल प्रेशर आएगा वो आपको ऑब्जर्व प्रेशर के बराबर होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है ना, तो यहां से इसका मतलब कि यहां टोटल प्रेशर बनाने में जितना ये मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही ये करेगा, और उस केस में ए और बी भी उतना ही वेपर प्रेशर बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, और इस तरह के सॉल्यूशन को, इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग किसका नाम देते हैं, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन का नाम देते हुए नजर आते हैं। इस तरह का हम लोग सॉल्यूशन को किसका नाम देते हैं, आइडियल सॉल्यूशन का हम लोग नाम देते हुए नजर आते हैं। तो ये टर्म्स, ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ना, इसको समझना, ये आपके लिए बहुत काम का चीज हो सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आपका आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो ऑब्वियस है आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए दो मिसिबल लिक्विड को मिलाओगे आप, तो उस केस में जो आप मिसिबल लिक्विड को मिलाओगे ना, तो उस केस में चेंज इन एंथैल्पी ऑफ जो सॉल्यूशन देखने को मिलता है ना, उसका वैल्यू क्या देखने को आता है, दैट इज उसका वैल्यू आपको जीरो ऑब्जर्व करने को आता है, मतलब वहां पे कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज, एनर्जी का चेंज देखने को नहीं मिलता है। बोलोगे कि सर मतलब इसको क्या हम लोग समझ सकते हैं क्या, बिल्कुल हम लोग समझ सकते हैं अगर आप चाहोगे तो। बोलोगे क्यों, कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो देखो आप अगर देखोगे, बड़ा ध्यान से सुनना कि अगर आपको ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड बनाना है, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, तो इसका मतलब है कि आपको ए और ए के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और बी के बीच में कोई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। बोलोगे ठीक है, सही है? तो क्या बता सकते हो आप, ये ऑब्जर्व करना, क्या बता सकते हो कि अगर मैं एक AA मॉलिक्यूल्स को तोड़ा, एक BB मॉलिक्यूल्स को तोड़ा, तो कितने मेरे AB मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 2 यूनिट आपके AB मॉलिक्यूल्स बनते हुए नजर आएंगे। बोलोगे बिल्कुल सही है। ठीक, अभी आपने ये पढ़ा भी है या फिर आपको ये नॉलेज होगा भी ना, कभी भी कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करना होता है, और कोई बॉन्ड अगर फॉर्म होता है तो वहां पे एनर्जी आपको रिलीज होता है। तो एक चीज आप गौर करोगे कि अगर इसको बॉन्ड को ब्रेक करने में एक्स यूनिट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज कि अगर एक्स यूनिट एनर्जी एंडोथर्मिक आपको सप्लाई करना पड़ेगा, तो बीबी को तोड़ने में कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, बोलोगे सर एक्स यूनिट ही अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का अट्रैक्शन फोर्स तो बराबर होता है आइडियल सॉल्यूशन में। बिल्कुल सही। क्या तुम बता सकते हो कि अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा तो उस केस में आपको कितना एनर्जी रिलीज होगा, तो बोलोगे कि सर यहां से माइनस एक्स यूनिट एनर्जी रिलीज होगा। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो अगर दो दो मॉलिक्यूल्स इसके फॉर्म हो रहे होंगे तो यहाँ पे माइनस 2x एनर्जी आपको बनेगा। बोलोगे बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको तीनों का अट्रैक्शन फोर्स बराबर है, तो जितना आपको तोड़ने में लगा होगा अगर सेम अट्रैक्शन फोर्स का कोई बॉन्ड फॉर्म होगा उतना ही एनर्जी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप शायद इजिली बता सकते हो कि इन सारे प्रोसेस में एनर्जी चेंज आपको कितना देखने को आ रहा है, दैट इज एंथैल्पी चेंज कितना देखने को आ रहा है, दैट इज इसका वैल्यू जीरो देखने को आ रहा है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये आइडियल सॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन क्या देखने को आ रहा है, दैट इज जीरो देखने को आता है। बोलोगे ठीक है, अब क्या हमारे पास और कोई पॉइंट है, एक और हमारे पास पॉइंट है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस केस में आइडियल सॉल्यूशन के केस में चेंज इन एंट्रोपी जो होता है, ये आपको इसका वैल्यू क्या होता हुआ नजर आता है, पॉजिटिव नजर आता है। इसका वैल्यू कैसा नजर आता है, पॉजिटिव नजर आता है। बोलोगे इसको लोग समझ सकते हैं क्या, बिल्कुल समझ सकते हैं। जैसे आपने दो कंटेनर लिया, लिक्विड ए और लिक्विड बी का, तो अगर गलती से लिक्विड ए में हाथ डालोगे तो आपको ए का ही कोई मॉलिक्यूल हाथ में लगेगा, अगर आपने लिक्विड बी में अगर आपने हाथ डाला तो उसमें कोई भी बी के ही कोई कॉम्पोनेंट आएंगे।
लेकिन अगर आप उस दोनों को मिला दो, अगर आइडियल सॉल्यूशन बना लोगे, तो उस आइडियल सॉल्यूशन में अगर ए डाल, अगर हाथ डालोगे कि कौन सा पार्टिकल निकालूंगा, तो ए और बी के कौन सा निकलेगा आप किसी के बारे में नहीं बता सकते हो। मतलब कि पार्टिकल का रेंडमनेस आपको मिलाने के बाद क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और अगर रेंडमनेस आपको इंक्रीज होता है तो आपको अच्छे से पता है कि चेंज इन एंट्रोपी का वैल्यू क्या हो जाता है, दैट इज पॉजिटिव होता हुआ नजर आता है। तो ये आपको चार पॉइंट आइडियल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा आपको आइडियल मतलब होना चाहिए कि ये आइडिया क्या है इसके बारे में, बोलोगे ठीक है सही है। तो अगर आपको मैं एक ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ, जो कि ग्राफ हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे कुछ बात मैं और भी डिस्कस करूंगा। जैसे मान के चलो आपने ये एक साइड पढ़ लिया था कि मैं सेम लिक्विड के बारे में बात करूं, तो आपने शायद एक ग्राफ यहाँ पे आपने पढ़ा था कि अगर ये आपका P नॉट A था, ये अगर P नॉट B था, याद है आपने रॉड्स लॉ का जो थ्योरी बताया था, आपको ये ग्राफ बताया था मैंने, ठीक है। तो अगर ये आपका, अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये हमारा अगर एक्स ए इक्वल टू वन अगर है, ठीक है, एक्स ए इक्वल टू वन है, तो ऑब्वियस इस पॉइंट पे एक्स बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलोगे जीरो। इस पॉइंट पे एक्स ए का वैल्यू हो जाएगा जीरो और एक्स बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलोगे कि वन हो जाएगा। और यहां से आपको शायद पता होगा, मैंने एक ग्राफ भी आपको पढ़ना, सॉरी सॉरी, मैंने एक ग्राफ भी आपको रीड करना यहाँ पे बताया था कि यहां से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, क्यों ऐसा लाइन बन रहा है, चलिए मैं हाथ से लाइन बना दे रहा हूँ, तो ये लाइन बनाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ये होता था, और अगर आप इसको लाइन बनाते थे तो एक स्ट्रेट लाइन ये होता था। और इस केस में शायद आपको मैं रिकॉल करवा रहा हूं कि ये जो लाइन इस दोनों को मिलाने वाला होता था, इस लाइन को PT से डिनोट करते थे और इसका फॉर्मूला होता था P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी का फॉर्मूला होता था, बोलोगे ठीक है बिल्कुल सही है। तो अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होगा तो आप किसी भी कंसंट्रेशन के लिए, जैसे मान के चलो अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है, अगर ये एक्स ए का वैल्यू यहाँ पे अगर 0.3 हो गया और एक्स बी का वैल्यू अगर यहाँ पे मान के चलो 0.7 हो गया, तो इस कंसंट्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका थ्योरेटिकली वैल्यू होगा, दैट इज पीटी का जो वैल्यू होगा, पीटी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको एक्स ए एक्स बी पता है तो पी नॉट ए पी नॉट बी किसी भी लिक्विड का पता ही रहता है, आपको पेपर में दिए होते हैं, तो वहां से पीटी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इस कंडीशन में अगर आपका जो ऑब्जर्व प्रेशर होगा, जो कि आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट करोगे ना, तो उसका वैल्यू भी आपको बराबर होता हुआ नजर आएगा। मतलब क्या है ना कि अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होगा, हर कंसंट्रेशन वैल्यू के लिए आपका कैलकुलेटेड प्रेशर जो होता है वो आपके ऑब्जर्व प्रेशर के बराबर होता हुआ नजर आता हुआ आपको दिखेगा, बोलोगे ठीक है ठीक है। तो उस केस में हर कंडीशन में हर कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए आपको जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो इसी स्ट्रेट लाइन, रेड वाले स्ट्रेट लाइन पे लाइक करता हुआ हमेशा दिखेगा, क्योंकि उस केस में हर कंसंट्रेशन के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता हुआ आपको दिखेगा, बोलोगे ठीक है। इतना तीन चार पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब आपके लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होगा कि सर हम लोग कैसे पहचानेंगे, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन जो हमारा फॉर्म करेगा, कोई भी सॉल्यूशन जो फॉर्म करेगा वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होगा, क्या इसको पहचानने का कोई तरीका है क्या? तो देखो एज सच आपको इसको पहचानने का कोई रूल नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ ब्रीफ आइडिया होते हैं कि किस तरह के कंपोनेंट या लिक्विड को मिलाओगे तो वो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। इसके कुछ कंडीशंस होंगे, क्या कंडीशन होते हैं? पहला कंडीशन जो इसका ये होता है कि अगर आपको दोनों कंपोनेंट, जिस जैसे ए और बी दोनों को मिलाओगे अगर वो आइडियल सॉल्यूशन बन जाए, तो आपके बोथ कंपोनेंट जो ए और बी है ना, अगर उसका दोनों का स्ट्रक्चर सेम रहे, उन दोनों का क्या रहे, स्ट्रक्चर आपको अगर सेम देखने को आए, उन दोनों का स्ट्रक्चर अगर आपको सेम देखने को आए, तो उस केस में, तो उस केस, अच्छा और दूसरा बात क्या है कि उन दोनों का बिहेवियर भी अगर आपको सेम देखने को आए, तो उस केस में दोनों कंपोनेंट को अगर आप मिलाओगे ना, तो वो आपको कैसा सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, दैट इज कि वो आपको आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता हुआ आपको दिखेगा, बोलोगे ठीक है सर यहां तक भी हमको थोड़ा सा आइडिया लग गया, ठीक है ठीक है। तो आपको ये चीज, ये बात थोड़ा सा आइडिया रखने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कैसे एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल यहां पे कुछ ले रहा हूं, ये एग्जांपल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान के चलो कि अगर हम लोग ले लें एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन
अगर मैं इस दोनों की बात करूं तो आपको पता है कि दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही होगा, सिर्फ कार्बन कंटेंट बढ़ गए होंगे, और दोनों का बिहेवियर मतलब कि दोनों आपके नॉन पोलर होंगे, ये बिहेवियर है। तो अगर आप इस दोनों कंपोनेंट को कभी भी आप मिलाओगे ना, तो ये आपको कैसा सॉल्यूशन बनाता हुआ नजर आएगा, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन बनाते हुए नजर आएंगे, बोलोगे ठीक है सही है। दूसरा क्या एग्जांपल हो सकते हैं आपके, दूसरे एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे मान के चलो आपके पास एक हो जाए, दैट इज कि इथाइल ब्रोमाइड, एक हो सकता है इथाइल ब्रोमाइड और दूसरा हो सकता है आपको इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पे बोले तो ये नहीं C2H5Br ये हो गया और इस ये हो गया आपका C2H5Cl। तो अगर आप देखोगे कि दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, और दोनों थोड़े बहुत डिफरेंस होंगे, लेकिन दोनों का बिहेवियर, अगर ये कम पोलर होगा तो वो भी कम पोलर होगा, तो आपका बिहेवियर भी क्या है, दोनों का सेम है। तो ये दोनों कॉम्पोनेंट को कभी भी आप मिलाओगे ना, तो ये आपको सेम आपको दैट इज आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता हुआ आपको दिखेगा। तीसरा एग्जांपल क्या ले सकते हो, जैसे मान के चलो बेंजीन ले लो, C6H6 ले लो और टोल्युइन ले लो, दैट इज कि ये टोल्युइन ले लो। तो अगर आप इस दोनों को देखोगे, इस दोनों को कभी भी मिलाओगे ना, तो आपको ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हुए आपको नजर आएंगे। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल करवाना, जैसे मान के चलो आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिए और आप SiCl4 ले लिए, अगर इस दोनों को कभी भी आप मिलाओगे तो आपको कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन मिलता हुआ आपको दिखेगा। एक और एग्जांपल हम लोग नोट कर लेते हैं, फिफ्थ, दैट इज कि एक है आपका क्लोरोबेंजीन और एक है आपका ब्रोमोबेंजीन। मेरे ख्याल से आप देख रहे होंगे कि दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही नजर आएगा, एक एटम्स का स्लाइट डिफरेंस है और इसके बिहेवियर ही, अगर जितना पोलर क्लोरीन होगा मोर और लेस उतना ही पोलर आपका क्या होगा, ब्रोमीन ही होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो ये दोनों को कभी आप मिलाओगे तो ये आपके क्या फॉर्म करते हुए नजर आएंगे, दैट इज कि ये आपके आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो इतने से एग्जांपल ना आपको जरूर ध्यान होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि आप पेपर में दिया रहेगा ना, कोई दो वोलेटाइल लिक्विड दे दिया है, तो आपको पहचान में आना चाहिए क्या ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये चार पांच एग्जांपल जो बताया इसको आपको थोड़ा सा हमेशा ध्यान होता हुआ नजर आना चाहिए, ठीक है। तो यहां अगर आपने पढ़ लिया है तो मेरे ख्याल से मैंने आइडियल सॉल्यूशन पे बेस्ड जितने भी एनालिसिस चाहिए, जितने भी टर्म चाहिए, उतना आपने अभी तक पढ़ लिया, बोलूंगा ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसाइंड करते हैं, ध्यान देना शुरू करते हैं, दैट इज कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे, किस पे हम लोग ध्यान देना शुरू करते हैं, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे ध्यान देना हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से ध्यान से सुना, यहां पे आपको कुछ बातें जरूर आपको समझ में आएंगी और ये बात आपको ध्यान रखना भी चाहिए, ठीक है। पहला चीज क्या यहां पे समझ में आना चाहिए कि आपको बताया था क्या ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, क्या ये रॉड्स लॉ को हर कंडीशन पे फुलफिल करेगा, बोलोगे बिल्कुल नहीं। यानी इस केस में पहला पॉइंट आपको क्या देखने में आना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन रहेगा, उस केस में जो आपका ऑब्जर्व प्रेशर होगा वो आपके पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी इस दोनों के बराबर होता हुआ आपको नहीं दिखेगा, उस तरह आपको बराबर इक्वल होता हुआ नहीं दिखेगा। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन शुरू करें कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दैट इज NIS से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसको हम लोग बोल सकते हैं, बोलोगे इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि अगर ये आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो इसको हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहां पे मैं एक ही साथ एनालिसिस कर रहा हूं ताकि टाइम आपको ज्यादा इसमें ना लगे। एक आपको क्या हो सकता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि कैसा डेविएशन शो कर सकता है, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन आपको शो करता हुआ आपको नजर आएगा। ये क्या होता है इसको मैं एक एक करके बताऊंगा, ठीक है।
और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा हो सकता है जो कि आपको किस तरह का डेविएशन शो करता हुआ नजर आएगा, दैट इज नेगेटिव डेविएशन को शो करता हुआ आपको नजर आता है। बोलोगे बिल्कुल सही है, ठीक है। शायद मैंने आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा दे दिया था कि पॉजिटिव डेविएशन आपको वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करेगा, या फिर उस सॉल्यूशन को आप पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन का किसका नाम दोगे, जिस केस में कि आपको ऑब्जर्व्ड प्रेशर आपको कैलकुलेटेड, जिसको रॉड्स लॉ से आप कैलकुलेट करोगे, अस्कर उसके प्रेशर से ज्यादा हो जाए ऑब्जर्व्ड प्रेशर, तो उस तरह के सॉल्यूशन को बोलेंगे सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, उसको आप ये नाम देते हुए नजर आओगे, ठीक है ना। सही है, और ऑब्वियस है कि अगर हम लोग बोलेंगे कि नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आप इस केस में अभी तक आपने ये पढ़ लिया है कि इस केस में जो भी ऑब्जर्व प्रेशर होगा ना, उसका वैल्यू हमारे कैलकुलेटेड प्रेशर होंगे, दैट इज जिसको हम लोग रॉड्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे, उसके कैलकुलेटेड प्रेशर से क्या होगा आपको कम होगा। बोलोगे यहां तक बिल्कुल सही है, यहां तक सही है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसको साइमल्टेनियसली एक साथ इसको लेके बताना आपको स्टार्ट, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव डेविएशन को शो कर लेते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन का क्या कहानी होता है, और इसके लिए मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि इसको हम लोग थ्योरी के फॉर्म में लिख के टाइम लगाएं, तो इसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं। अब आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताता हूं पॉजिटिव डेविएशन का, आपको यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो मैं आपको जरूर यहां पे डिस्कस करना शुरू करता हूं, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव डेविएशन के केस में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इस केस में कि सबसे पहले कि अगर आपने कोई भी दो कंपोनेंट ए और बी को मिलाया, ठीक है, कोई भी वोलेटाइल लिक्विड अगर एज्यूम कर लें, और अगर इसका वॉल्यूम वी वन मिलाया और अगर इसका वॉल्यूम वी टू मिलाया, तो इस केस में अगर कोई भी सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ऑब्वियस है ये सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा क्योंकि नॉन आइडियल का ही आपके दो कैटेगरी है, तो उस केस में आप ऑब्जर्व करोगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसका वैल्यू आपको ग्रेटर देन होगा किसके, वी वन प्लस वी टू के सम के ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब उस केस में आप अगर ऑब्जर्व करोगे, अगर आप उस केस में ऑब्जर्व करोगे कि जो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन होंगे, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सर का वैल्यू क्या होता हुआ नजर आएगा, दैट इज ग्रेटर देन जीरो होता हुआ आपको नजर आएगा। यहां तक बात सही है, तो ये बात आप ध्यान रखना क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए काम का चीज है। याद है आइडियल में दोनों का वैल्यू क्या हो रहा था इक्वल, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो रहा था आपको जीरो हो रहा था, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि अगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये किसका पॉइंट बता रहा हूं, पॉजिटिव डेविएशन के केस में आपको बता रहा हूं कि पॉजिटिव डेविएशन के केस में कि आपको अगर आप दो कंपोनेंट को कभी भी मिक्स करोगे, तो उस केस में चेंज इन वॉल्यूम जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा आपको ग्रेटर देन जीरो होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, यहां तक सही। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं अगेन आपको समझाने पे बहुत ही इंटरेस्ट लूंगा इसमें और समझा के ही आपको रहूंगा, कि अगर मैं बोलूं कि यहां पे मेरे पास सॉल्यूशन है, ये मेरे पास एक कोई भी सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियस है कि वो अगर मैं कंसीडर करूं तो यहां पे कुछ ना कुछ वो टोटल प्रेशर क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। बोलोगे ये वेपर प्रेशर होगा, तो अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करूं, तो अगर मैं देखूंगा तो यहां पे तीन तरह का अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। बोलोगे कि सर ए टाइप का अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा, एक बी टाइप का अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए बी टाइप का अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा, जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। अब तुम ऑब्जर्व करना कि अगर मैं आपको इस केस में बोलूं, इस केस में अगर आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना शुरू करूं, तो आप 100% यहां पे बता सकते हो कि इस केस में जो आपका अगर जो प्रेशर वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अगर वो वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से ज्यादा क्रिएट हो रहा होगा, इसका मतलब इसमें जरूर एक आपको जो बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा वो आपको वीकर नेचर का होगा, क्योंकि बॉन्ड अगर वीकर नेचर का होगा तो वो बॉन्ड जल्दी जल्दी टूटेगा और आपको उतना ही वेपर बनाने में वो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो याद रखना इस केस में जो आपको ए बी टाइप का जो भी अट्रैक्शन फोर्स होता है, ए और बी टाइप का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो होता है आपको वीकर देन ए टाइप अट्रैक्शन फोर्स एंड बी टाइप अट्रैक्शन फोर्स।
ध्यान से सुनना, ये बहुत काम का चीज है, ये आपको बहुत ही समझने में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ए और बी का अट्रैक्शन फोर्स कम होगा ना, तो उस केस में जब तक आपको ए ए बॉन्ड टूटेगा, जब तक आपको बी बी बॉन्ड टूट के वेपर बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, उससे पहले ही आपको ए और बी बॉन्ड टूट चुका होगा और वो टूट के आपको एक्स्ट्रा वेपर बनाने में वो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप जो कैलकुलेट करोगे ना, और जो ऑब्जर्व होगा ना, पी ऑब्जर्व का वैल्यू पी कैलकुलेटेड वैल्यू से हमेशा ज्यादा होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये बात आप ध्यान से सुनना कि ये कौन सा कंडीशन होता है, जबकि ए बी टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होता है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू ए ए टाइप अट्रैक्शन फोर्स एंड बी बी टाइप अट्रैक्शन फोर्स। तो उस केस में जो आपको सॉल्यूशन होता है वो किस तरह का डेविएशन शो करता हुआ नजर आता है, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन शो करता हुआ आपको नजर आता है। बोलोगे बिल्कुल सही है, ये बात आपको थोड़ा सा समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। अब एक चीज गौर करना, बड़ा ध्यान से सुनना। तो तीसरा पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं, तो मैंने देख लिया कि चेंज इन वॉल्यूम आपको क्या था, दैट इज कि ग्रेटर देन जीरो था, ये था आपको, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे अगर ऑब्जर्व करना शुरू करूं, तो यहां पे आप इजिली यहां पे समझ सकते हो, कि इस केस में इन चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ मिक्सर जो होगा, इसका वैल्यू भी क्या होता हुआ नजर आएगा, ग्रेटर देन जीरो होता हुआ नजर आएगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों? ये देखो, इसको आप कैसे समझोगे, वही आप बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन देखो, कि आपको बॉन्ड ब्रेक करने में अगर मान के चलो कि 10 यूनिट चाहिए ए ए को बॉन्ड को ब्रेक करने में, और बी बी बॉन्ड को ब्रेक करने में भी आपको अगर मान के चलो कि 10 यूनिट का एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो आपको ए बी अगर आप गौर करोगे, तो यहां से आपको जो ए बी जो आपको बॉन्ड होगा, चूंकि वो वीकर नेचर का है, वो कैसा नेचर का है आपको, दैट इज की वीकर नेचर का है। तो आप उस केस में अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना, उस केस में अगर ऑब्जर्व करोगे, तो वहां पे जो आपको टोटल उस प्रोसेस में जो डेल्टा एच देखने को आएगा ना, उसका वैल्यू क्या होता हुआ नजर आएगा, दैट इज ग्रेटर देन जीरो होता हुआ नजर, ठीक है। यहां तक सही है ना, आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गया। नहीं अगर क्लियर हो गया तो मैं एक बार और कोशिश करता हूं इसको बताने का। देखो, इसका मतलब आपने यहां पे देखा कि ए ए टाइप का एक अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता था, एक आपको बी बी टाइप का अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता हुआ दिखता है, और एक आपको कौन सा है, दैट इज ए और बी टाइप का अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। तो आप अगर गौर करोगे कि ए और बी टाइप का अट्रैक्शन फोर्स अगर वीकर नेचर का है, तो आपको मोर एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और अगर ए और बी आपको वीकर अट्रैक्शन फोर्स है, तो यहां पे जो एनर्जी जो रिलीज होगा वो क्या होगा आपको, कम होगा। बोलोगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल कम होगा, क्योंकि अगर वीकर अगर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो आप गौर करोगे कि आपने जितना एनर्जी सप्लाई किया यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, और जितना एनर्जी इसके दो कंपोनेंट के फॉर्म होने में आपको यूज हुआ, मतलब जो आपको रिलीज हुआ, तो आप यहां से जरूर आप उसको कैलकुलेट करोगे, तो डेल्टा एच का वैल्यू आपको क्या आता हुआ नजर आएगा, दैट इज पॉजिटिव होता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये बात आराम से ध्यान से सुनना, समझना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद हो जाएगा और आप इसको समझ के इजीली बता सकते हो, क्योंकि आपको ए और ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स पावरफुल है, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और आपको ए और बी वीक नेचर का है, तो वहां से जो एनर्जी रिलीज भी होगा ना, वो कम एनर्जी रिलीज होगा। तो आप ओवरऑल देखोगे ना, तो आपको एनर्जी सप्लाई ही करना पड़ेगा, इट मीन्स डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता हुआ नजर आएगा, दैट इज पॉजिटिव होता हुआ आपको नजर आएगा। बोलोगे ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट, अगेन इस केस में भी चेंज इन एंट्रोपी आपको क्या होता हुआ नजर आएगा, दैट इज ग्रेटर देन जीरो होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप दो कंपोनेंट को मिक्स करोगे, तो उसका जो रेंडमनेस होगा वो आपको इंक्रीज होता हुआ ही नजर आएगा। तो ये सारे पॉइंट, ये जितना पॉइंट है, ये पॉजिटिव डेविएशन के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्या आता है कि आपको इसका ग्राफ, दैट इज की ग्राफ शोइंग क्या चीज आपको, दैट इज की पॉजिटिव डेविएशन। बहुत ध्यान से सुनना, ये आपको ग्राफ रीड करने के लिए आपको जरूर आना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या होता है ना, कि अगर मैं सेम ग्राफ अगर आपको पहले बना दूं, जो हमने पहले बनाया था वही ग्राफ अगर मैं वेपर प्रेशर का और इसका पहले बना दूं, तो ये आपका पी नॉट ए था और ये आपका पी नॉट बी है। बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। और इस केस में आपको जो भी यहां पे रहा हो, तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पे एक्स ए का वैल्यू 1 था और एक्स बी का वैल्यू 0 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ए का वैल्यू 0 हो जाएगा और एक्स बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो अगर आप रॉड्स लॉ को देखोगे ना,
तो हर गैस में रॉल्स लॉ फॉलो होगा तो वो आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाता हुआ आपको दिखेगा। बोलोगे बिल्कुल सही है, स्ट्रेट लाइन सीधा तो नहीं दिख रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन बनाएगा। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन अगर रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा तो हमारा ये ऊपर वाला जो डॉटेड पार्ट है ये हमारा सॉल्यूशन का प्रेशर आना चाहिए। लेकिन अगर ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो क्या आप यहाँ पे समझ पाओगे कि जो आपका ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो आपके जो कैलकुलेटेड जो कि ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है ये पीटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पी ऑब्जर्व्ड वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है तो पी ऑब्जर्व्ड का वैल्यू हमेशा कैलकुलेटेड से ज्यादा होगा। तो ये ग्राफ होता है कि अगर आपको किसी भी कैलकुलेटेड प्रेशर से ज्यादा प्रेशर कोई भी सॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो बोलते हैं कि वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता हुआ नजर आ रहा है, मतलब वो रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। अच्छा, अगर पी नॉट बी का ये ग्राफ है तो इसका मतलब ये भी आपके रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा और इस केस में भी अगर आप प्रेशर निकालोगे ड्यू टू बी, याद है ना पी बी का प्रेशर क्या होता था, दैट इज पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये सारे रॉड्स लॉ मैंने बता चुका है इसको ध्यान से रखना। ऑब्वियस है कि पी ए सॉल्यूशन का क्या होगा प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए क्या होगा, दैट इज पी नॉट ए इनटू एक्स ए हो जाएगा। बोलोगे बिल्कुल सही है, ठीक है, याद है ये बात, याद है ना यार कि अगर सॉल्यूशन होता था तो आपको यहां पे जो वेपर बनता था इसमें पी ए प्लस पी बी होता था, पी ए क्या होता था कि इस सॉल्यूशन में जो ए कंपोनेंट है उसके कारण कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, PB क्या रिप्रेजेंट करता है कि सॉल्यूशन में कितना B है उसके कारण जो प्रेशर क्रिएट होगा वो PB होगा, और PT का वैल्यू आपने देखा था कि ये क्या होता है PA प्लस PB होता है, ये हमने फर्स्ट दिन पढ़ाया था यार, इसको ध्यान से रखना, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं PA को कैलकुलेट करूंगा तो चूंकि ये आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है PA का भी जो वैल्यू होगा वो कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब PA का भी जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा नहीं बनेगा, इससे क्या होगा आपको ऊपर बन जाएगा। तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये कोई भी ग्राफ जो कि पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है कोई सॉल्यूशन उसी का आपको ये ग्राफ होता हुआ नजर आता है। बोलोगे ठीक है ये बात भी हमने समझ लिया, तो आपने पॉजिटिव डेविएशन के बारे में तीन चार पॉइंट बड़ी अच्छे से पढ़ा, ये चीज सारे पॉइंट्स आपको ध्यान होने चाहिए। अब आपको ये समझ में आया कि सर किस तरह का कॉम्पोनेंट मिलाएंगे तो वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला सॉल्यूशन बनाएगा, तो इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स ध्यान रखने होते हैं कि किस तरह का, अगर आपके पास कोई भी कंपोनेंट जिसको आप ऐड करोगे ना, कोई भी कंपोनेंट जिसको आप ऐड करोगे वो अगर ऑपोजिट बिहेवियर शो करे, वो अगर एक दूसरे से ऑपोजिट बिहेवियर शो करे तो उस केस में पॉसिबिलिटी होता है कि वो दोनों सॉल्यूशन को अगर आप मिलाओगे ना तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, उसमें भी वो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको बनेगा। जैसे एक एग्जांपल, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपको एग्जांपल इसके बारे में डिस्कस करना। जैसे मान के चलो कि आपने इथेनॉल को C2H5OH को इथेनॉल को आपने मिला लिया एसीटोन से, ध्यान से सुनना, इथेनॉल को एसीटोन से मिला दिया, अगर तुम देखोगे अगर तुम इसको ए मानोगे और इसको बी मान लोगे कि ये दोनों कॉम्पोनेंट को आपने मिलाया है तो आपको ये गौर करोगे कि इथेनॉल अगर दूसरे AA मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करेंगे, जैसे कि एक इथेनॉल अगर दूसरे इथेनॉल से कनेक्टेड होगा तो आपको पता है कि वो किससे कनेक्टेड होगा, बोलोगे कि सर वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे ना, क्योंकि आपको इथेनॉल पता है अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर सकता है तो इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होंगे। बोलोगे ठीक है, क्या आपको एसीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर सकता है, बोलोगे नहीं। तो अगर मान के चलो कि ए और ए के बीच में एक आपको हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसके बीच में अगर कहीं से बीच में ऑब्वियस अगर इस दोनों को मिलाओगे तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको बी के आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, बोलिए बिल्कुल रहेगी। तो इस केस में ए और बी के बीच में क्या कोई हाइड्रोजन बॉन्ड अब एग्जिस्ट करेगा, बोलोगे नहीं करेगा। तो यहां पे तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि ए और ए के बीच में जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना था ए और बी के बीच में आपको उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पे ये दिख रहा है कि ए और बी के बीच में जो आपको बॉन्ड बनेगा वो वीकर बनेगा, और अगर वीकर ये बनता हुआ नजर आएगा तो जब ये वेपर बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा तो ए और बी बॉन्ड जल्दी जल्दी टूटेंगे और वो आपको ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता हुआ नजर आएंगे। तो आपके इथेनॉल देखो अपोजिट बिहेवियर क्यों, क्योंकि ये आपको इसका नेचर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड शो करने का, जबकि एसीटोन का आदत क्या होता है आपको ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन शो करने का होता है, तो आपके दोनों के बिहेवियर सेम तो नहीं है ना, तो
तो अगर डिफरेंट बिहेवियर वाले को अगर आप कंबाइंड करोगे तो उस केस में वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, ये तो तय है कि दोनों का बिहेवियर सेम नहीं है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी कैसा सॉल्यूशन बनाएगा जो कि आपको पॉजिटिव डेविएशन शो करता हुआ नजर आएगा। तो आपके पास ये एग्जांपल है, तो मैं एक एक करके लिखते जाता हूँ, कुछ एग्जांपल आपको याद होने ही चाहिए। जैसे पहला है दैट इज इथेनॉल प्लस एसीटोन, पहला है इथेनॉल प्लस एसीटोन। दूसरा जो आपको ध्यान देना है दैट इज सीसीएल फोर प्लस क्लोरोफॉर्म, ये सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान होने चाहिए। तीसरा आपको अगर मैं एग्जाम्पल बना दूं दैट इज कि आपको है वाटर प्लस मिथेनॉल, वाटर प्लस मिथेनॉल, ठीक है। चौथा जो एग्जाम्पल है आपको जो ध्यान रखना है दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, ठीक है, ये चौथा एग्जाम्पल है। और पांचवा एग्जाम्पल, ज्यादा मैं एग्जाम्पल नहीं लिखवाऊंगा, पांचवा एग्जाम्पल है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन। तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स थोड़े से याद होने चाहिए क्योंकि आपको पेपर में लिखने के लिए भी पूछा जाता है कि पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले कुछ एग्जाम्पल को लिख के बताओ। तो आपके कुछ एग्जाम्पल, चार पांच एग्जाम्पल देखोगे, उसको देखते रहोगे तो आपको याद होता हुआ नजर आएगा। ऑब्वियस है देखो कि अगर ये वाटर प्लस इथेनॉल है, सॉरी मिथेनॉल है, तो वाटर प्लस इथेनॉल भी हो सकता है, दैट इज C2H5OH भी होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन को आप देखोगे तो आपको पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले कुछ कॉम्पोनेंट आपको नजर आते हुए दिखेंगे, बोलोगे ठीक। तो ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है तो उसके बारे में हमने सारा एनालिसिस कर दिया, बोलोगे ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा कि नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले जो कंपोनेंट होते हैं, जो सॉल्यूशन होंगे उसका एनालिसिस करना बाकी है। तो आपके बारे में, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेंगे। जैसे पहला चीज कि आप अगर देखोगे कि अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले कोई सॉल्यूशन है, तो अगर आपने दो कॉम्पोनेंट को मिलाया, अगर इसका वॉल्यूम मान के चलो V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो उस केस में जो रिजल्टेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा उसका वैल्यू लेस देन V1 प्लस V2 के होगा। उसका सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, लेस देन V1 प्लस V2 होता हुआ आपको दिखेगा। मतलब कि नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला जो भी सॉल्यूशन होगा उस केस में चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होता हुआ आपको दिखेगा, बोलोगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब यहां पे देखना, आप इसको इजिली समझ लोगे कि नेगेटिव डेविएशन की क्या कहानी होगी। तो अगर मैं ये डब्बा बनाऊ, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये डब्बा बनाऊ और मैं अगर बोलूं कि ये मेरे पास नीचे सॉल्यूशन बना हुआ है, इसमें एक AA टाइप का अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एक BB टाइप का अट्रैक्शन फोर्स कर रहा है, और एक आपको AB टाइप का अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है। अब देखो आप इजीली बनाओगे कि अगर मैं बोलूं कि यहां पे ये मान के चलो सॉल्यूशन प्रेशर आपको ये पी कैलकुलेट कर, मतलब यहां पे जनरेट कर रहा है, तो अगर यहां पे जो पी आपको जो जनरेट करेगा, जो पी जनरेट करेगा उसका वैल्यू अगर उसके कैलकुलेटेड वैल्यू से डिफर करेगा, जैसे कि अगर इसका ऑब्जर्व प्रेशर जो यहां पे एक्चुअली में जनरेट करेगा, अगर उसका वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से अगर कम जनरेट होगा, तो आप बोलोगे वो नेगेटिव सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है। अब तुम बता सकते हो कि अगर यहां पे प्रेशर पी ऑब्जर्व देखूंगा तो ये सॉल्यूशन कब आपको कम प्रेशर जनरेट करेगा, तो आप इजिली अब बता सकते हो कि अगर ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, अगर ये आपको अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बनाएगा तो उस केस में आपको ए और बी के बीच में बॉन्ड कम टूटेगा, अगर ये कम टूटेगा तो ये आपको वेपर जो बनाएगा, जो प्रेशर ऊपर में जनरेट कर रहा होगा वो प्रेशर कम बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस केस में जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि जितना आपको प्रेशर बनना चाहिए उससे कम प्रेशर बन रहा होगा, यानी आपको इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो जो अट्रैक्शन फोर्स ए होता है और जो आपको अट्रैक्शन फोर्स बी भी होता है, अगर इससे इसके कंपैरिजन में अगर ए और बी का अट्रैक्शन फोर्स कैसा हो जाए, अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स हो जाए, तो उस केस में ये जो सॉल्यूशन आपको यहां पे बनता हुआ नजर आएगा, ये आपको कैसा डेविएशन शो करता हुआ नजर आएगा, दैट इज कि नेगेटिव डेविएशन शो करता हुआ नजर आएगा। और इस केस में जो ऑब्जर्व प्रेशर है वो आपके कैलकुलेटेड प्रेशर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये वीडियो बार बार देखना, एक दो बार देखोगे आपको इजिली ये बात समझ में आता हुआ नजर आएगा, बोलोगे ठीक है, यहां तक सही है। अब तुम देखो, अब ये दूसरा पॉइंट था, अब मैं अगर इसको तीसरा पॉइंट यहां पे डिस्कस करना शुरू करूं, ठीक है, तीसरा पॉइंट
तो पहला पॉइंट देखा कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है, लेस देन जीरो है। दूसरा, आपको नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला सॉल्यूशन कब मिलता है, जब दो कंपोनेंट को मिलाओ और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बने ना उसके पार्टिकल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स बन ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाए तो वो वेपर बनाने में कम कंट्रीब्यूट करेगा और जो आपका वेपर बनेगा वो भी कम बनेगा। तो जितना आप एक्सपेक्ट करोगे उससे वेपर कम बनता हुआ आपको नजर आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप इजिली यहां पे समझ सकते हो कि इस केस में चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सर का वैल्यू क्या होता हुआ नजर आएगा, दैट इज लेस देन जीरो फॉर्म होता हुआ आपको नजर आएगा। ये आप इजिली रिलेट करके देख सकते हो। और एक चीज, चौथा पॉइंट जो कि मुझे हर केस में बताना है कि इस केस में अगेन रेंडमनेस का वैल्यू अगेन क्या होगा आपको, दैट इज कि ग्रेटर देन जीरो होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कभी भी सॉल्यूशन को मिलाओगे तो आपको मोर रेंडमनेस शो करता हुआ दिखेगा, बोलोगे ठीक है। अब अगर मैं आपको नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला ग्राफ अगर मैं इसी के ऊपर मर्ज करके बताऊं, मतलब आपको ये तो जो स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा था, ये जो आपको सीधा लाइन है ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर ये आपको मैं बोलूं कि एक्चुअली जो प्रेशर हो अगर वो इससे कम शो करता हुआ कोई सॉल्यूशन नजर आएगा, दैट इज ये रेड अक्षर से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज कि कैलकुलेटेड से ऑब्जर्व प्रेशर क्या है आपको कम है, तो ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज कि नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा, बोलोगे बिल्कुल सही है। तो अगर ओवरऑल सॉल्यूशन नेगेटिव होगा तो आप ये बोल सकते हो कि सर ए का भी जो टोटल प्रेशर जनरेट कर रहा होगा ए अकेला, इसका भी प्रेशर अपने कैलकुलेटेड से कम होगा, और बी जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेगा उसका भी वैल्यू अपने स्टैंडर्ड प्रेशर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जितने भी रेड कलर से, ये जो मैं रेड कलर से जो मैंने ग्राफ बनाया है, इसको आप इजिली कॉपी पे अलग अलग बना लेना, और ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता हुआ आपको नजर आता है, बोलूंगे ठीक है सर। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा, आप इस वीडियो को बार बार देखना तो आपको हर बात क्लियर होता हुआ नजर आएगा। अब ये बात है कि सर कुछ एग्जांपल भी बता दीजिए जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करता है, तो ध्यान से सुनना कि नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले कंपोनेंट का आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ना, कि वो आपस में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी शो करेंगे, मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड कैन फॉर्म बिटवीन देम, बोलोगे मतलब क्या है सर, कि अगर मान के चलो कि ए ए आपको बॉन्ड है, बी बी एक बॉन्ड है, और अगर ए बी आपस में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे ना तो ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया तो वो वेपर बनाने में आपको कम कंट्रीब्यूट करेगा और वो निगेटिव डेविएशन शो करता हुआ नजर आएगा। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल आप एक बार नोट कर लेना, बड़ा सिंपल सिंपल से पॉइंट है और आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो। तो पहला एग्जाम्पल है, जैसे मैं ले लिया कि वॉटर प्लस HCl, तो आपको पता है कि ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड आपको शो करते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरा आप ले सकते हो वाटर प्लस HNO3, दूसरा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, ये आपके पास बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना ही चाहिए, ठीक है। चौथा एग्जांपल है दैट इज कि क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, तो ये सारे अगर कॉम्बिनेशन कभी भी आप मिलाओगे ना तो नेगेटिव डेविएशन शो करते हुए आपको नजर आएंगे। बोलोगे सर एक एग्जांपल समझा दिए, जैसे मान के चलो कि मैंने ये क्लोरोफॉर्म का एसीटोन का मैंने आपको एग्जांपल ले लिया, ये आपका एक एसीटोन है ना, और मैंने अगर यहां पे मान के चलो क्लोरोफॉर्म का मैंने एग्जांपल ले लिया, क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल ले लिया, तो आपको एक चीज तो साफ दिखेगा ना कि इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कार्बन पे तीन तीन अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे तो कार्बन पे हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पे अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि आपको पता है कि ये कीटोन है तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आपको चार्ज का सेपरेशन दिखेगा। तो इस केस में अगर आप इसको मिलाओगे तो इस दोनों कॉम्पोनेंट के बीच में देखो एक आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा, तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड अगर मिलाने के बाद बन गया तो इस दोनों मॉलिक्यूल्स को तोड़ना मुश्किल होगा और ये दोनों वेपर बनाने में कम कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, एज कंपेयर टू कि जब आपको ये एसीटोन प्लस एसीटोन रहेगा और जब आपका ये क्लोरोफॉर्म
प्लस क्लोरोफॉर्म रहेगा, तो उस केस में जितना वेपर प्रेशर बनाएगा उसके कंपेरिजन में ये दोनों जब कंबाइंड हो जाएंगे, जब हाइड्रोजन बॉन्ड से एसोसिएट हो जाएंगे, तो उस केस में आपको कम वेपर प्रेशर क्या होंगे क्रिएट करना शुरू करेंगे और ये आपको नेगेटिव डेविएशन शो करता हुआ आपको नजर आएगा। बिल्कुल सही है। तो यहां तक आपको ये आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जितने भी एस्पेक्ट हैं इसको मैंने आपको डिस्कस किया। ये वीडियो को एक बार देखना, प्रॉपर नोट्स बनाना और एक बार एनसीईआरटी को आप थोरोली पढ़ लेना, तो आपको हर एक एस्पेक्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, तो मैं लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करता हूं। अगले लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक के साथ अगले टर्न पे मिलते हैं। थैंक यू।